नमस्कार दोस्तों मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलाश पर्वत से जुड़ी एक मिस्ट्री यानी कि रहस्य के बारे में और वो रहस्य है कि के दरअसल कैलाश पर्वत एक विशाल काय पिरामिड है और उसके इर्द गिर्द बहुत से छोटे छोटे पिरामिड्स हैं और ये विशालकाय पिरामिड का निर्माण किसी प्राचीन सभ्यता ने जो कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस थी उन्होंने किया था ये थ्योरी कब और किसने दी थी इसके बारे में हम डेफिनेटली आगे वीडियो में बात करेंगे लेकिन उससे पहले कैलाश पर्वत के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कैलाश पर्वत समुद्र तल से छ छः मीटर की हाइट पर है और ये तिब्बत चाइना का हिस्सा है अगर हम बात करें धार्मिक दृष्टिकोण की तो हिंदू धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कैलाश पर्वत एक बहुत ही पवित्र स्थान है हिंदू धर्म के अनुसार ये भगवान शिवजी उनकी पत्नी माता पार्वती और उनके पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान है दोस्तों कैलाश पर्वत के बारे में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि आज तक कोई पर्वतारोही इस पर क्लाइंब नहीं कर सका इस पर नहीं चढ़ सका हालांकि माउंट एवरेस्ट जो कि कैलाश पर्वत से लगभग लगभग 2000 मीटर और ऊंचा है उस पर आज तक 7000 से ज्यादा पर्वतारोही क्लाइंब कर चुके हैं लेकिन माउंट कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ इसी वजह से कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द बहुत सी कहानियाँ बहुत से रहस्य निर्मित हो गए इन्हीं कहानियों में से कुछ कहानियों के अनुसार जिन लोगों ने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की या तो उनकी मृत्यु हो गई या कुछ प्राकृतिक आपदा आने के कारण उन्हें अपनी जर्नी बीच में ही कैंसिल करनी पड़ी एक फेमस कहानी के अनुसार एक साइबेरियन पर्वतारोहियों का ग्रुप कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही एक वो सर्टन पॉइंट से आगे बढ़ते हैं तो अचानक ही वो कई दशकों बूढ़े हो जाते हैं और उसके एक साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है अरनस मुल्दाशव जो कि एक रशियन रिसर्चर है जिन्होंने कैलाश पर्वत को एक पिरामिड की थ्योरी दी है मुल्दाशव ने डिसाइड किया कि वो कैलाश पर्वत जाकर कैलाश पर्वत के रहस्य के खोज करेंगे उसके लिए सन 1999 में उन्होंने एक टीम का गठन किया जिसमें कि हिस्ट्री फिज़िक्स और जियोलॉजी को जानने वाले लोग थे वो पूरी टीम तिब्बत आती है और तिब्बतन लामात से भी बात करती है और कई महीनों पैदल चलकर पर्वत के चारों ओर एक रिसर्च करती है अनस मुल्दाशव लिखते हैं कि अक्सर रात की खामोशी में पहाड़ों के अंदर से गहरी सांस लेने की अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी एक रात जब वो अपने सहकर्मी यानी कि कलीग के साथ बैठे थे तो उन्हें पत्थर गिरने की आवाज़ें सुनाई दी जो कि पर्वत के अंदर से आ रही थी मानो के पर्वत के अंदर कोई लोग रहते हों तिब्बतन प्राचीन लेखों की अगर बात करें तो उसमें शाम्भल नामक एक अदृश्य देश का वर्णन किया गया है जिसमें कि दिव्य प्राणियों का वास है ऐसा ही कुछ जिक्र कल की पुराण में भी किया गया है जिसमें कहा गया है कि भगवान श्री विष्णु के दसवें अवतार भगवान कल की शाम्भल नामक एक दिव्य गांव में जन्म लेंगे और जो कि अभी अदृश्य है मोहन भट्ट जो कि संस्कृत के जानकार है और मुंबई में ही रहते हैं बतलाते हैं कि रामायण में भी एक जगह जिक्र है जहाँ पर कैलाश पर्वत को एक पिरामिड कहा गया है और हमारे वेद शास्त्रों में तो कैलाश पर्वत को कॉस्मिक एक्सेस कहा गया है मुल्दा शव कहते हैं कि विज्ञान के दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत के बारे में कुछ भी बताना मुश्किल है लेकिन इस बात का उन्हें पूरा निश्चय है कि धरती पर जो भी जीवन है उसका कैलाश पर्वत से सीधा जुड़ाव है उन्होंने इसका जब एक स्केमेटिक मैप तैयार किया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि जो इसका डीएनए है वो दुनिया के जितने भी फेमस पिरामिड है उनसे मिलता जुलता है और उनके साथ इसका डायरेक्ट लिंक है मुल्दा शव को पूरा विश्वास है कि ये पर्वत एक पिरामिड है जो कि एक प्राचीन सभ्यता ने बनाया है जिन्हें सटल एनर्जी के लॉ के बारे में पूरी तरह से नॉलेज थी कैलाश पर्वत एंशियंट मॉन्यूमेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस दुनिया में जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है ये उन सब का केंद्र हो सकता है इस बारे में क्या सच है क्या झूठ है ये तो खैर समय के साथ ही पता चलेगा खैर ये थी हमारी आज की वीडियो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरी वीडियोज़ लगातार आप तक पहुँचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जल्दी ही मिलते हैं एक नई और वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद